नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी न्यूज़ बरेली में। मैं हूं आपके साथ सलोनी कश्यप। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बरेली शहर के वार्ड नंबर 36 जौहरपुर में। आप हमारे साथ देख सकते हैं कि काफ़ी जनता यहां पर मौजूद है। अगर हम बात करें पार्षद की, तो 3 बार बीजेपी से सभासद का पद जीत चुके हैं वेदराम मौर्य जी, और साथ ही इसके बाद इनकी जो वाइफ हैं वो इस बार प्रत्याशी जो है बनी हैं। तो चलिए जानते हैं, देखिए हमारे बीच काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो चलिए जनता से जानेंगे कि 3 बार जब ये जीती हैं तो इनका जो व्यवहार है जनता के प्रति कैसा रहा है, किस प्रकार से इन्होंने कार्य किए हैं जिनसे जनता की भलाई हो सके। तो बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। जी मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा सुदामा जी। सुदामा जी, आप जनता की भलाई के लिए क्या कार्य करेंगी? जनता का काम करूंगी। जनता का कार्य करेंगी। जी सर नमस्कार। जी नमस्ते। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? 3 बार तो आप जीत चुके हैं, इस बार चौथी बार फिर से क्या उम्मीद लगती है? जी मुझे बहुत उम्मीद लगती है मैडम। मैं 2006 से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा था, और 2006 से लेकर 2017 तक और 2012 से 17 तक 2 बार पार्षद में रहा था। तीसरी बार महिला सीट होने के कारण फिर भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर मेरी पत्नी श्रीमती सुदामा देवी चुनाव लड़ी थी, वो जीती। 3 बार हम लोग जीत चुके हैं, और चौथी बार फिर मतलब जो महिला सीट होने के कारण फिर बीजेपी के सिंबल से मेरी पत्नी श्रीमती सुदामा देवी चुनाव लड़ रही हैं। तो पूरा ढाल लिया, उम्मीद है कि हाँ भाई जी सर। जी सर मैं जीतूंगा, मैं मेरी पत्नी जीतेगी, और पूरे क्षेत्र की जनता मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं जनता से प्यार करता हूँ। बिल्कुल ही, क्योंकि जनता जनार्दन जो है 3 बार सभासद ऐसे ही नहीं बना देती अपने क्षेत्र के व्यक्ति को, कहीं ना कहीं उनका व्यक्तित्व व्यवहार और जनता के प्रति प्रेम देखकर ही जनता अपना फैसला लेती है। जी क्या नाम है आपका? इससे जीते हाँ, यही जीते हाँ यही जीते। क्या नाम है अम्मा जी आपका? लीलावती। लीलावती, आपको तो काफी समय हो गया होगा, 3 बार पार्षद रह चुके हैं, तो जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान करते हैं या नहीं? करते हैं। ऐसा तो नहीं बिजली के खंभे पे लाइट लगी हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो सभासद ही बने हैं जी, हम सबसे बड़े हैं। अच्छा आप सबसे बड़े हैं? हम तो यही जीतेंगे, हम तो सभासद का हमारा नाम उठे हर समय, हर बार में जीते। मैडम क्या नाम है आपका? विद्या देवी। अब विद्या देवी जी, आप सुदामा देवी जी को इस बार पार्षद के रूप में देखना चाहेंगे? हाँ, भारी संसद से बनाएंगे पार्षद, ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताने के इरादा है हमारे, और सारा कार्य पूरी करेंगे, जो रह बचे हैं वो भी हो जाएंगे। अम्मा जी हाँ, नन्नी देवी कार्य होते हैं नन्नी देवी जी? हाँ हाँ बहुत बढ़िया हो रहा है। क्या फिर आगे क्या सोचा है, जितवाना है? नहीं हाँ जितवाना है, पूरी जनता सब इन्हें वोट दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और जनता से जानते हैं। महिलाओं में तो हमने लोगों से और बात कर ली, तो चलिए बुजुर्ग की ओर बढ़ते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है चाचा? मैं रामलाल मौर्य। मौर्य जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप तो काफी बुजुर्ग हैं। इनका जो लोगों के प्रति व्यवहार है वो कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहा। 3 साल से जीते चले आए, हर किसी का काम निकाला है और हर समय तैयार रहे। पानी बिजली किसी की भी समस्या पड़ जाती है? कोई समस्या नहीं है, बहुत खा अच्छा चल रहा है। तो जी क्या नाम है आपका? मेरा कमला शर्मा। कमला शर्मा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने सभासद के बारे में? मैं तो बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ मेरा सभासद बहुत बड़ा आदमी बने और हर बार में जीते हैं। इतना अच्छा आदमी है कि वो किसी के लिए कोई काम को मना नहीं करता है। अच्छा, किसी को कोरोना काल में बहुत सारी समस्याएं आई थी जिसमें आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हुई थी, क्या आर्थिक स्थिति में वेदराम जी ने मदद जी साथ दिया? साथ दिया, साथ दिया उन्होंने, बहुत साथ दिया। तो क्या लगता है भारी बहुमत? भारी बहुमत से जीते हैं और अब जीतते ही रहे। तो जैसा कि आपने जाना सिटी न्यूज़ के माध्यम से कि वार्ड 36 की जो जनता है वो अपने पार्षद वेदराम मौर्य जी से बहुत ही खुश है, और इस बार प्रत्याशी के रूप में उनकी जो वाइफ हैं सुदामा जी वो खड़ी हुई हैं, और जनता का कहना है कि हम अपने पार्षद को जितवाएंगे, वो भी भारी बहुमत से। 3 बार तो जीत मिल चुकी है, अब चौथी बार क्या रहता है ये देखने का विषय है। सारी जानकारी हम आपको सिटी न्यूज़ पर देंगे, तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। मैं सलोनी कश्यप अपने वीडियो जर्नलिस्ट सत्यम के साथ सिटी न्यूज़ बरेली।